बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइड फार्म मैकेनाइजेशन, यानी कि आपको खेती बाड़ी के लिए, ज़मींदारी के लिए आपको जो जो इंस्ट्रूमेंट आलात वगैरह ज़रूरत पड़ सकते हैं, हैवी मशीनरी जिसमें हो सकती है, जिसमें कटर वगैरह आपको जो है ना बिल्डोज़र यूज़ करना पड़ जाए, या आपको कोई ट्रैक्टर वगैरह या एक्स वाई सेट कुछ भी, तो उसके लिए बैंक आपको हैवी मशीनरी परचेज करने का भी लोन मुहैया करता है। ठीक है, दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी इज़ डिज़ाइन टू फैसिलिटेट एग्रीकल्चर फार्मर्स इन ऑब्टेनिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लोन टर्म फाइनेंस फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टू बी एम्प्लॉयड फॉर फार्म मैकेनाइजेशन। ठीक है ना, ये भी वही बात कर रहे हैं कि यह ना किसी मुख्तसर वक्त के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए एक टर्म फाइनेंस है आपको, कि आप 6 मंथ, 8 मंथ, 1 साल के लिए कोई कर्ज़ा ले लें। अगर आपने हैवी इक्विपमेंट आलात वगैरह अपने ज़रूरी मकासद के लिए लेने हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन उसमें क्या है कि जो दरख्वास्त गुजार है उसकी एज 18 से 62 साल होनी चाहिए, लोन टेन्योर 3 से 5 साल है, यानी कि 36 मंथ से 60 मंथ के दरमियान, डेब्ट टू इक्विटी है 70-30, यानी कि 70% बैंक फाइनेंस करेगा, 30% आप खुद करेंगे, मिनिमम ओनरशिप एंड कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट है जिसमें मैंने कि ज़मीन की जो मलकियत है उसके कागज़ जो है वो 5 एकड़ पंजाब सिंध एंड बलोचिस्तान के लिए होने चाहिए, 2 एकड़ फॉर KPK, AJK एंड GB आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करने वाले जो अकाउंट होल्डर हैं लाइट बैंक के, उनको 2 एकड़ की मलकियत चाहिए। रीपेएबल इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर 6 मंथ बाद जैसे आप फसल उठाएंगे तो आपने हर 6 मंथ बाद इसकी पेमेंट क्लियर करनी है। दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी इज़ आल्सो अवेलेबल फॉर वुमेन फार्मर्स, फीमेल हजरात जो कि अपने खेती बाड़ी करती हैं, जो अपने खेतों में काम करते हैं, तो उनको भी ये आलात ज़रूरत है, तो बैंक उनको भी फाइनेंस करता है, लेकिन बशर्त ये कि उनकी मलकियत तो ये 5 एकड़ और 2 एकड़ वाले फार्मूले पर होनी चाहिए। लोन्स कैन बी एक्सटेंडेड अगेंस्ट 1 और मोर सिक्योरिटी ऑप्शंस, डिटेल बिलो। जो कि लोन आपको मिल सकता है या एक्सटेंडेड होगा तो इस बिहाफ में मिल सकता है, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, ज़री ज़मीन होनी चाहिए, अर्बन प्रॉपर्टी, शहरी जायदाद, कमर्शियल प्रॉपर्टी, लिक्विड सिक्योरिटीज़, या जो चीज़ आप बैंक को मॉर्गेज कर रहे हैं तो उसकी कैश वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि फिर फॉर सेल आउट हो सके या कैश में कन्वर्जन हो सके, तब बैंक आपको इसके ऊपर फाइनेंसिंग करेगा। तो इसके लिए ये एक शॉर्ट मुख्तसर वीडियो थी कि अगर आपको ज़री ज़मीन के लिए आलात वगैरह चाहिए तो उस सूरत में भी बैंक आपको तनहा नहीं छोड़ता, आपको फुल सपोर्ट देता है। आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो पेमेंट ले लें, बशर्त अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो बैंक को रिक्वायरमेंट दें, कोटेशन ले लें शोरूम से कि ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है और हमें ये परचेज़ करके दें तो बैंक आपको ख़रीद कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगले हम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।